कन्या प्राथमिक पाठशाला चारा दो में मिड डे मील पोषण माह मनाया गया और बच्चों से नारे भी लगवाए गए। मुख्य शिक्षिका विजय लक्ष्मी ने बच्चों को बताया कि हमें शुद्ध व घर का बना हुआ ताज़ा भोजन खाना चाहिए और जो स्कूल में भोजन बनाया जाता है ये सरकार की एक मुहिम है। इस योजना से देश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को बहुत लाभ हो रहा है और छात्रों को शपथ दिलवाई कि हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। इस अवसर पर स्टाफ सदस्या सुशीला, राजेश, वंदना, सक्षम युवा, सीमा, अनिता और निधि मौजूद रहे। मैं विजय लक्ष्मी, मुख्य शिक्षिका GGPS छारा। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को पोषण माह की बधाई। जो यह हमारे स्कूलों में पोषण माह मनाया जा रहा है या आंगनवाड़ी में मनाया जा रहा है, ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी मुहिम है ताकि बच्चों का भी ये पता चल सके कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। डॉक्टर भी चेकअप के लिए आते हैं, चेकअप करके जाते हैं और हमारा जो खाना बनाती है स्कूल के अंदर उनका भी चेकअप होता है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैडम बहुत अच्छे से ये कराती है पोषण, उसमें खाना जो गवर्नमेंट ने उसमें दिया है और अच्छे से मतलब बच्चों को भी प्लास्टिक से बचने की और लंच वगैरह जो करती को मना करती है और अच्छे से खाना साफ सफाई वगैरह मिल सकता। आपको हमारे स्कूल में आने के बाद कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। पहले लगता नहीं था कि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कुछ होता है, बट देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।